जब भी कोई सिचुएशन आती है कि जिसमें दो रास्ते, एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल, तो बैलेंस आउट कैसे करना है? इमोशनल और प्रैक्टिकल में हमेशा विरोध नहीं होता है, कभी कभी साथ भी चल सकता है। और सिर्फ इमोशनल कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, प्रोपोर्शन का डिफरेंस होता है। जब इमोशंस आपके दिमाग पर बहुत हावी हों तो फैसला करने से बचना चाहिए, स्पेशली बड़ा फैसला। छोटा तो ठीक है कि आपके दोस्त ने कहा कि दोस्त नहीं एक फिल्म देखेगा मेरे साथ, अब इमोशनल हो जाके देख ली फिल्म, क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। पर कोई ये कहे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, शादी नहीं कर सकते मुझसे और हमने शादी कर ली, ये ठीक नहीं है। सिर्फ इमोशंस में आके बहुत बड़ा फैसला मत कीजिएगा, चाहे वो करियर का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे कोई भी फैसला हो। प्रैक्टिकल इतना नहीं हो जाना है कि आप मशीन, रोबोट या पत्थर बन जाएं, क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हों, यदि आप इमोशनली सक्सेसफुल नहीं हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, इमोशनली वेलबींग के स्टेट में नहीं है, तो आपके सक्सेस किसी काम के नहीं है, एकदम मीनिंगलेस है। सो द सक्सेस इन टोटैलिटी नीड्स इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल। इसलिए इमोशंस को खारिज करके जिएंगे तो शायद कुछ अचीवमेंट्स बड़ी हो जाएं, पर वो किसी काम के नहीं हैं। केवल इमोशंस पे चलेंगे तो हो सकता है कि अचीवमेंट जिंदगी में ज़्यादा हो ना पाए। तो बैलेंस की बात है। और सबसे अच्छा तरीका है, जब बहुत इमोशंस हों, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, सिर्फ एक तरीका मैं जो अपनाता हूँ, उस क्षण में फैसला नहीं करना है। कुछ भी हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, सिर्फ इतना बोलिए कि मैं 24 घंटे बाद बताऊंगा आपको, थोड़ा सोचूंगा इस बारे में। और यदि आपने उस मोमेंट से खुद को बाहर निकाल लिया तो फिर आप डिटैच होकर देख पाएंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एलिमेंट भी रहे, इमोशनल एलिमेंट भी रहे, वो फैसले सबसे अच्छे रहेंगे लाइफ के लिए। मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ। ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, अफेयर में थे, एक का सिलेक्शन हो गया, अब उसके सामने क्राइसिस ये है, स्पेशली किसी लड़की का हो गया, लड़के का नहीं हुआ। अब हमारी सोसाइटी में ना, लड़की ऊंचे पद पे हो, लड़का ना सफल हुआ हो, तो बड़ा मुश्किल है सोसाइटी में, उनको शायद दिक्कत नहीं है। अब वो लड़की प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं, ये कह के अगर हट जाती है और शादी करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत सफल है। आई नो मैनी सच पीपल पर्सनली, मैं नाम नहीं बोल सकता किसी का। मैंने जनरली पाया है कि वो लोग लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे बाद में, क्योंकि सफलता के नाम पर, प्रैक्टिकल होने के नाम पर ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके साथ वो रह नहीं सकते ठीक से। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो IAS बने, IPS बने, जिनको करोड़ों रुपये के दहेज के ऑफर्स आए, साफ ठुकरा के कहा कि मैं ज़िंदगी एक ही व्यक्ति के साथ गुजार सकता हूँ जो मेरे साथ है, और हैं बहुत खुश हैं। अब कोई कह सकता है उनके परिवार में कि इसने प्रैक्टिकल फैसला नहीं किया, इमोशनल फैसला किया, पर अल्टीमेटली किसी चीज़ की वैल्यू क्या है? आपकी लाइफ बेहतर हो। YouTube पे जिसके 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मोनेटाइज करता है, 1 लाख क्या जब मिनिमम हो सकता है, खूब पैसा कमाते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, साबुन तेल बेचते हैं बीच बीच में। आपका चैनल तो शायद देश में सबसे बड़ा चैनल है, आप चाहें तो कितना नहीं कमा लेंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक एजेंसी के लोग मिले जिन्होंने बताया कि इनकी जैसी ख्याति है उस लेवल पर महीने में कोई 5-10 करोड़ भी कमाना चाहे तो कमा सकता है आराम से इस यूट्यूब चैनल से। तो मैंने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आप नहीं इस रास्ते पर जाते, मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो 10 मिनट की बात के बाद मैं समझ में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं अपनी वैल्यू के खिलाफ चला गया तो खुश कैसे हो जाऊँगा? पैसा मुझे कैसे खुशी देगा जब मैं ही नहीं रहा, तो खुशी किस बात की? इसलिए इतना प्रैक्टिकल मत होना कि अपनी माँ के, पिता के, भाई बहन, दोस्त, जो प्रेमी प्रेमिका है, उनके इमोशंस के साथ खेलने लगो। इतना प्रैक्टिकल कभी मत होना। इतना इमोशनल मत होना कोई आपको बेवकूफ़ बना सके, बात बात पर बेवकूफ़ बनाता रहे। और बैलेंस, ज़िंदगी जो है ना वो मध्य मार्ग में है, ज़िंदगी एक्सट्रीम पे नहीं है, मध्य में है। तो प्रैक्टिकल और इमोशन का बैलेंस रखिए, लाइफ बढ़िया होगी। आपने सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे पास में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए।